हेलो गाइस, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ फ्लोटेशन। मेथड ऑफ फ्लोटेशन का बेसिकली मतलब होता है शेयर इशू करने के क्या क्या मेथड्स हैं, शेयर इशू करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफर फॉर सेल की। जब कोई कंपनी अपना पूरा इशू, जो पब्लिक इशू कंपनी लेके आ रही है, वो अपना पूरा इशू किसी इशू हाउस को दे देता है, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। अब वो इशू हाउस उस कंपनी के बिहाफ पे शेयर जनता को इशू करता है, पब्लिक को इशू करता है, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। सेकेंड आता है सर प्राइवेट प्लेसमेंट। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को देती है, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट में सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। और ये एक साल में ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों को दिया जाता है। EIPO, EIPO का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पहली बार मार्केट में लेके आती है और वो भी इलेक्ट्रॉनिकली लेके आती है, उसको बोलते हैं EIPO। आज की तारीख में जितने भी IPO आते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं और जनरली बुक बिल्डिंग मेथड के जरिए होते हैं। नेक्स्ट आता है राइट इशू। जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर ऑफर करती है, मतलब कंपनी सेकंड टाइम थर्ड टाइम अगर शेयर इशू कर रही है और अपने एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछ रही है कि तुमको शेयर लेने हैं क्या, और उनको कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का समय दिया जाता है कि आपको लेने या नहीं लेने शेयर। अगर नहीं लेने तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो शेयर किसको इशू कर दिए जाएंगे? जनता को, आम जनता को इशू कर दिए जाएंगे। और लास्ट आता है प्रॉस्पेक्टस। जनरली कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की पूरी जीवन गाथा लिखी होती है। अब प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी के क्या शेयर कैपिटल है, कंपनी के कौन कौन से केसेस चल रहे हैं कंपनी के ऊपर, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी का ऑडिटर कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस प्रॉस्पेक्टस में लिखी जाती है, जिसके बेसिस पे एक इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि मुझे इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं। बेसिकली इस मेथड ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर एग्जाम में 12th बोर्ड बिजनेस स्टडीज के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि पूछा जाता है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर ऑफर कर रही है तो इसको बोलेंगे राइट इशू। कंपनी शेयर इशू कर रही है सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, यानी म्यूचुअल फंड को शेयर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट। और अगर मान लीजिए कंपनी ने अपना पूरा इशू किसी इशू हाउस को दे दिया, तो इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।